माय डियर स्टूडेंट्स, कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस कहलाता है, इसकी वजह से एजुकेशनल अथॉरिटीज़ ने ये डिसाइड किया है कि स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, जिसकी वजह से जो करंट सिलेबस है उसकी ना तो टीचर्स के लिए तैयारी करवाना मुमकिन है और ना ही स्टूडेंट्स के लिए ये पॉसिबल है कि वो सारे सिलेबस को तैयार कर सकें। इसलिए एजुकेशनल हेड की तरफ से ये एक डायरेक्टिव आया है कि सिलेबस को शॉर्ट कर दिया जाए और सिलेक्टेड सिलेबस की डोमेन में रहते हुए स्टूडेंट्स उसको प्रिपेयर करें और उसी में से एग्ज़ाम होगा। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इट इज़ अ गुड डिसीजन और ये बेटरमेंट है फॉर द स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए भी काफ़ी हद तक ये आसानी वाला काम है। अगर आप ये चाहते हैं कि करंट सिनेरियो में रहते हुए आप पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स में 100% नंबर गेन करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को विजिट करें जो कि यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग के नाम से है। ख्याल रहे कि जब मेरे चैनल को आप वॉच करें तो मुझे मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियोस पे कमेंट करें, मेरे चैनल पे भी कमेंट करें, मेरे वीडियोस का शेयरिंग करें और लास्ट में मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल से आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। साथ में ही फेसबुक पे मेरा पेज है जो कि यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग के नाम से ही है, इसको आप लाइक कीजिए, और फेसबुक ग्रुप है यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग के नाम से, इस ग्रुप को आप काइंडली ज्वाइन कर दें कि एज सून एज इसके ऊपर मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो फौरी तौर पर आप लोगों तक पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट लेने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर में से क्या कुछ आने वाला है। एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का सिलेक्शन किया गया है। एक्सरसाइज 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 6 और इसका पार्ट फर्स्ट सिलेक्ट किया गया है। एक्सरसाइज 1.3 में से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का सिलेक्शन हुआ है। एक्सरसाइज 1.4 में से क्वेश्चन नंबर 6 को चूज किया गया है। एक्सरसाइज 1.5 में से क्वेश्चन नंबर 6 has been selected. Last exercise है exercise 1.6, इसमें से question number 6 के all parts जो है वो included in this smart syllabus. Next movement में आप देखेंगे कि इन exercises के each and every question का solution मैंने पेश कर दिया है और इट इज़ वेरी वर्थ मेंशनिंग दैट के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। मैंने सबसे पहले आपको सिलेक्शन बताया है, उसके साथ में ही इसका सलूशन भी पेश कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ का शेयरिंग करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और मेरे फेसबुक पेज
को भी लाइक करें और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। स्मार्ट सिलेबस फॉर द ईयर 2021 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 से मैं इसका अपलोड शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 3 का सिलेक्शन किया गया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, comma C, and D. ये वैल्यूज को हमने फाइंड करना है। मैट्रिक्स है आपके पास A प्लस C, A प्लस 2B, C माइनस 1, 4D माइनस 6 बल्कि इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 और 2D। अब देखें ये दो मैट्रिक्स हैं और इज इक्वल टू का साइन के साथ इनको लिंक किया गया है। यहाँ देखें ए प्लस सी फर्स्ट एलिमेंट है ऑफ दिस मैट्रिक्स और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज ए ज़ीरो, तो हम कह सकते हैं ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन ए माइनस 2B इज इक्वल टू माइनस 7, ए प्लस 2B इज इक्वल टू माइनस 7 और सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D। इसको अगर हम सॉल्व करें सी इज इक्वल टू 3 प्लस 1 सी इज इक्वल टू 4, ये सी का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया। इसको आप बॉक्स कर दें और यहाँ देखें ये 4D है और 2D को शिफ्ट कर दें दूसरी तरफ इज इक्वल टू माइनस 6 को दूसरी तरफ शिफ्ट शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव 6 हो जाएगा। देन 2D इज इक्वल टू 6 और 2 को जब दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करते हैं तो D का वैल्यू हमें 3 मिल जाएगा। इसके बाद ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, सी का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं दैट इज 4, तो ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन ए इज इक्वल टू माइनस 4 और इसको बॉक्स कर दें। अब ये वैल्यू आपका आ गया। अब यहाँ देखें ए प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 7 है, ए का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं दैट इज माइनस 4 प्लस 2D इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2D इज इक्वल टू माइनस 3 बी सॉरी डी नहीं 2B और बी का वैल्यू आपको मिल जाएगा माइनस 3/2। ये देखिए आपके पास चारों वैल्यूज आ गए हैं, ए इज इक्वल टू माइनस 4, बी इज इक्वल टू माइनस 3/2, सी इज इक्वल टू 4 एंड डी इज इक्वल टू
थ्री, ये आपका डिजायर्ड आंसर है। वन पॉइंट यही चैप्टर है, अभी एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 से क्वेश्चन नंबर 6 का सिलेक्शन किया गया है। वन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट ए इज इक्वल टू 1201 एंड बी इज इक्वल टू 1120। ये दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने फाइंड करना है ए ए टी, और अगेन उसका रेज पर टी है, यानी कि ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये दो दफ़ा हम ट्रांसपोज लेंगे, पहला ए टी है, ए टी इज इक्वल टू, यानी कि ए मैट्रिक्स है और उसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब ये इसमें रो कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये वन और टू रो में है तो ये वन और टू कॉलम की फॉर्म में लिख दें, और ये ज़ीरो वन रो है, ज़ीरो वन कॉलम की फॉर्म में लिख दें। अभी इस ट्रांसपोज का ही हमने दोबारा ट्रांसपोज लेना है, ए टी देन ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये वन ज़ीरो रो हैं, वन और ज़ीरो कॉलम की फॉर्म में दे दें, और ये टू और वन जो है रो हैं इसको कॉलम की फॉर्म में दे दें। अभी आप चेक कर लें कि आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स जो कि 1201 था उसके इक्वल आ गया है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ प्रूव्ड दैट ए टी देन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यही काम हमने बी मैट्रिक्स के साथ करना है। बी टी सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, होल इज पर टी इज इक्वल टू बी। अब पहले बी ट्रांसपोज ले लें, ये वन वन है, इसको वन वन फॉर्म में लिख दें कॉलम फॉर्म में, और टू ज़ीरो लिख दें, और फिर दोबारा फिर इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, ये वन टू को लिख दें वन टू कॉलम की फॉर्म में, और वन ज़ीरो आ जाएगा। अभी देखें ओरिजिनल जो मैट्रिक्स जो कि बी मैट्रिक्स था उसके इक्वल आपका आंसर आ गया है। हम कह सकते हैं इट इज़ प्रूव्ड दैट बी टी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज नंबर 1.3, इसमें दो क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7। इफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3 एंड 4 एंड बी इज इक्वल टू 0 7 माइनस 3 एंड 8। फाइंड करना है हमने 3a माइनस 2b पार्ट 1 के लिए,
अब यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स गिवन है ए वन माइनस टू थ्री फोर माइनस टू, बी मैट्रिक्स है ज़ीरो सेवन माइनस थ्री एंड एट, मल्टीप्लीकेशन करेंगे थ्री वन ज़ा थ्री माइनस सिक्स, थ्री सी ज़ा नाइन, फोर सी ज़ा ट्वेल्व, ये मैंने मल्टीप्लीकेशन कर ली। देन टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, टू सेवन ज़ा फोर्टीन, माइनस टू थ्री ज़ा सिक्स, टू एट ज़ा सिक्सटीन। अभी आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, थ्री माइनस ज़ीरो थ्री मिल जाएगा और माइनस सिक्स माइनस फोर्टीन माइनस ट्वेंटी हो जाएंगे, नाइन ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, ये नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन, ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन माइनस फोर, ये आपका एक आंसर आ गया है। सेकंड पार्ट है इसका, टू ए ट्रांसपोज माइनस थ्री बी ट्रांसपोज। अभी आपने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके लिख देना है, ये आ जाएगा आपके पास वन माइनस टू और थ्री फोर, फिर माइनस थ्री और बी का ट्रांसपोज करना है, ज़ीरो सेवन माइनस थ्री और एट। अब इसके बाद आप मल्टीप्लीकेशन कर दें, टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, माइनस टू टू ज़ा फोर, फोर एट टू फोर, टू ज़ा एट, थ्री ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, माइनस थ्री थ्री ज़ा नाइन, सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन और एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर। इसके बाद आपने टू माइनस ज़ीरो टू, सिक्स ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, सिक्स प्लस नाइन फिफ्टीन, माइनस फोर माइनस ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी फाइव, देन एट माइनस ट्वेंटी फोर, ये माइनस सिक्सटीन हो जाएंगे, ये आपका दूसरा आंसर आ गया। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन सेवन है, टू टू फोर माइनस थ्री ए प्लस थ्री वन और ये बी एट और माइनस फोर इज इक्वल टू सेवन और टेन एटीन और वन, इनका पहले आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे, टू टू ज़र फोर, फोर टू ज़र एट, माइनस ट्वेल्व और टू ए, देन प्लस थ्री थ्री बी, एट सी ज़र ट्वेंटी फोर, माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू सेवन टेन एटीन और वन। अब यहाँ पर एडिशन करेंगे, फोर प्लस थ्री सेवन, एट प्लस थ्री भी चूँकि डिफरेंट टर्म हैं तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, और माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी फोर आपको ट्वेल्व मिल जाएगा, टू ए माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू सेवन, ये सॉरी यहाँ पे सिक्स है, टू थ्री सिक्स और ये एटीन होंगे, देन सेवन एटीन टेन और वन। अब ये देखें इक्वल मैट्रिक्स, सेवन इज इक्वल टू सेवन, एटीन इज इक्वल टू एटीन, यहाँ पे हम कहेंगे एट प्लस थ्री बी इज इक्वल टू वन और टू ए माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू वन,
यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा 3b = 1 माइनस 8 से माइनस 7 हो जाएंगे, b = -7/3 यहाँ से हमें b का वैल्यू मिला, और 2a = ये हो जाएंगे 13, a = 13/2 और इसको हम ये भी कह सकते हैं 6/1/2, ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गया, a का वैल्यू भी मिल गया और b का वैल्यू भी मिल गया। एक्सरसाइज 1 पॉइंट नेक्स्ट है 4। वन पॉइंट फोर से क्वेश्चन नंबर 6 है। इसी चैप्टर में भी हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 फॉर द मैट्रिसेस a = -1, 3, 2, 0, b = -1, 2, -3, -5, and c = -2, 6, 3, and -9। Verify that part A, AB transpose is equal to B transpose A transpose। सबसे पहले आप AB product find करेंगे, आप AB का ये पास आपके पास हो जाएंगे -1 और 1 -1, 3 और -3, -9, देन -1 और 2, -2 और 3 और -5, -15, एंड 2 1 2 और +0 हो जाएंगे, देन 2 2 4 और 0 +0। AB = -10, -17 और 2 और 4। अभी हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। AB transpose = -10 और -17 हो जाएंगे, और ये 2 और 4 हो जाएंगे, ये ट्रांसपोज आ गया AB का ट्रांसपोज। अभी हमने फाइंड करना है B transpose into A transpose। बी का आप ट्रांसपोज निकालेंगे, 1 और 2 हो जाएगा, -3 और -5 हो जाएगा, और ए का ट्रांसपोज -1 एंड 3, 2 और 0। अभी इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें इसका आंसर मिल जाएगा। 1 इंटू 1 -1, -3 और 9, -9, देन 1 2 2 और +0, 2 then 2 into -1 -2, -5 into 3 -15, then 2 2 4 +0। अभी इनको सम अप कर देंगे आप। B transpose A transpose = -10, -17, 2 और 4। अभी आप देखें, ये आपके पास AB transpose था, -10, 2, -17, 4, और BT AT = -10, -17, 2 और 4, जो कि आपस में आंसर आपके पास इक्वल आ गए।
अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बी सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, ये इनका आंसर सेम आएगा, ये चूंकि सिमिलर टू पार्ट वन है इसलिए मैं इसका सोल्यूशन नहीं कर रहा, ये सोल्यूशन आप इसका खुद कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.5, क्वेश्चन नंबर इसका है जी 6। ए इज इक्वल टू 4, 0, -1 and 2, बी इज इक्वल टू -4, -2, 1 and -1। पार्ट वन में ये ए बी ही मैट्रिक्स आपको चाहिए थे, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इस केस में आपने ए बी पहले प्रोडक्ट फाइंड करना है उसके बाद उसका इनवर्स निकालना है। तो जी ए बी हमारे पास जो है इज इक्वल टू 4 into -4 -16, 0 into 1 + 0, देन 4 into -2 -8, 0 into 1 + 0, -1 into -4 + 4, 2 into 1 + 2, देन -1 into -2, ये +2 हो जाएंगे, 2 into -1 -2 हो जाएंगे। ए बी आपके पास आ जाएगा -16 और ये हो जाएंगे 6, देन -8, देन 0। तभी आपने इसका ए बी इनवर्स फाइंड करना है, ए बी इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास ए बी डिटरमिनेंट पहले फाइंड करना होता है हमने, ये आपके पास हो जाएंगे -16 -into -48 होंगे, तो ए बी डिटरमिनेंट आपके पास आ जाएगा -16 + 48। अब ए बी डिटरमिनेंट जो है वो आपके पास आ जाएगा 48 से आप 16 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 32। ए बी डिटरमिनेंट आपके पास आ गया 32। अभी आपने इस स्पेस को मैं यूटिलाइज करते हुए यहाँ इसका सोल्यूशन करता हूँ, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बी अपॉन ए बी डिटरमिनेंट, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट जो है वो हम इनका प्लेस चेंज कर लेते हैं, 0 और -16 हो जाएगा और इन दो का साइन चेंज होता है, ये +8 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू और ये 1/32 के साथ इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 1/32 का 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर 0 आ जाएगा, और ये 1/32 का जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और 6 के साथ आएगा -2/3/2 के साथ कैंसिलेशन के बाद 3/16, देन -1/2, ये आपके पास ए इनवर्स आ गया है। अभी आपने बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालेंगे पहले और उसके बाद उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे।
पहले हम लें ए को, ए जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास है फोर ज़ीरो माइनस वन माइनस वन, इधर होगा माइनस वन एंड टू, और बी जो मैट्रिक्स है माइनस फोर माइनस टू वन और माइनस वन। अब ए डिटर्मिनेंट निकालें, सबसे पहले आप ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू फोर टू दर एट, और ये बस एट ही आएगा क्योंकि वो वन और जीरो मल्टीप्लाई होंगे जीरो आ जाएगा। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास आंसर होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट हो जाएंगे आपके पास टू और फोर की प्लेसेस चेंज हो जाएंगे और जीरो और नेगेटिव वन ये पॉजिटिव वन हो जाएगा और वन अपॉन एट के साथ इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, ये हो जाएंगे वन अपॉन फोर और ये जीरो हो जाएगा, ये वन अपॉन एट और ये वन अपॉन टू, ये आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स। अभी हमने बी इनवर्स फाइंड करना है, बी इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट, फोर वन ज़ा फोर पॉजिटिव फोर हो जाएंगे माइनस और ये माइनस टू होंगे, बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू फोर प्लस हो जाएंगे टू, बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा सिक्स। अब बी इनवर्स इज इक्वल टू एड जॉइंट बी अपॉन बी डिटर्मिनेंट, बी इनवर्स इज इक्वल टू एड जॉइंट में आपका बस माइनस वन और माइनस फोर इनका प्लेसेस चेंज करते हैं आप और ये टू हो जाएगा और ये माइनस वन हो जाएगा, ये इनका दूसरी सेकेंडरी डायगनल में हम साइन को चेंज करते हैं और वन अपॉन सिक्स के साथ इसका आप करोगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री और ये आ जाएगा वन अपॉन थ्री, वन अपॉन सिक्स होंगे ये बोलिए क्योंकि वन के साथ मल्टीप्लिकेशन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टू के साथ करेंगे वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन सिक्स और माइनस टू अपॉन थ्री। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन करना है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास दोनों मैट्रिसेस मौजूद हैं, मैट्रिसेस को लिखें और उसके बाद उनका मल्टीप्लिकेशन करें, आपके पास इसका जो फाइनल आंसर है वो उसके इक्वल आ जाएगा जो कि ज़ीरो और वन पॉइंट फोर है। और माइनस थ्री अपॉन सिक्सटीन और वन अपॉन टू, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का पार्ट सेकंड भी है, इसके अंदर भी सेम प्रोसेस है जिस तरह से मैंने पार्ट वन में किया है, तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले, आप मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका इनवर्स निकाल लेंगे, फिर ए का इनवर्स और डी का इनवर्स और उसके बाद उनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 1.6 है, 1.6 में उसके ऑल पार्ट्स हैं। आप एक ऐसा चैनल देख रहे हैं जिस पे आपको मैथमेटिक्स का वीडियो अवेलेबल होता है। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर वन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के एक्सरसाइज 1-5 का लोड पहले ही हो चुका है। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.6
1.6 का अपलोड इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 1, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय फर्स्ट मेथड है द मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड, सेकंड डी क्रैमर्स रूल, आपने इस क्वेश्चन के 8 पार्ट हैं, आपने हर पार्ट को 2 तरीकों से सॉल्व करना है। पार्ट 1 है इस क्वेश्चन का, टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सबसे पहले इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 2 है, ये माइनस 2 है, 2 माइनस 2, ये 3 है, ये 2, ये आपका एक मैट्रिक्स आ गया। फिर आप जो वेरिएबल हैं x और y उसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में देंगे, देन कांस्टेंट 4 और 6, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इनका आपने नाम देना है, ये A मैट्रिक्स है आपके पास, ये X मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है। इसके बाद आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A डिटरमिनेंट के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस के साइन के साथ माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 to the 4 माइनस और माइनस 3 to the 6, ए डिटरमिनेंट आपका 10 आ जाएगा। उसके बाद आपने इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स इज इक्वल टू होता है एड जॉइंट ए इनटू जो बी भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, बी की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और अपॉन ए डिटरमिनेंट। ए इनवर्स इज इक्वल टू एड जॉइंट ए के लिए आप इन दो का प्लेसेस चेंज करते होते हैं और इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 2 और पॉजिटिव 2 और माइनस 3 और 4 और 6 जो हैं बी हैं ये मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ और 1 अपॉन 10 हो जाएगा।
अब आपने मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनवर्स इज इक्वल टू 1/10, उसी तरह आ जाएगा। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8, और 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। 8 प्लस 12 20 होता है, माइनस 3 इंटू 4 12 होंगे, माइनस 12 2 इंटू 6 12 प्लस 12 होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आपको 0 मिलेगा। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू ये हो जाएंगे 2 और ये हो जाएंगे 0 जब हम 1/10 के साथ इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इट मीन कि एक्स का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 2, इसको मैंने बॉक्स किया, और y इज इक्वल टू 0, इसको भी मैंने बॉक्स कर दिया। दो आंसर आपके पास आ गए, x और y का आपको वैल्यू चाहिए था वो आपके पास आ गया है। एक मेथड से आपने इसको सॉल्व कर लिया है, सेकंड मेथड जो कि क्रैमर रूल है उससे भी हम सॉल्व करेंगे। टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सबसे पहले इसको लिखा आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में, 2 माइनस 2 3 और 2 और ये x y कांस्टेंट वेरिएबल इज इक्वल टू 4 और 6 कांस्टेंट। ये डिटर्मिनेंट हम पहले फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 10, और अभी आपने यहाँ पे फाइंड करना होता है ए एक्स। ए एक्स फाइंड करने के लिए आपने जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में जो कॉलम है, ये फर्स्ट जो कॉलम है उसको कांस्टेंट के साथ चेंज कर देते हैं, ये 4 और 6 हो जाएगा, ये माइनस 2 और 2 हो जाए, और इसी तरह आपने ए वाई भी निकालना होता है। ए वाई के लिए यही इस तरह का एक्शन है, 2 3 अपनी जगह पे रहेंगे, और ये वाली जो कॉलम है सेकंड जो कॉलम है वो चेंज हो जाएगा कांस्टेंट के साथ, रिप्लेस हो जाएगा 4 और 6। अब ए एक्स हमने निकालना है डिटरमिनेंट, ये हो जाएंगे आपके पास 4 2 8 और माइनस इन टू 2 6 12 माइनस 12, तो ये आपके पास 20 बन जाएंगे। ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 20। अभी आपने ए वाई डिटर्मिनेंट निकालना है, ये आपके पास आ जाएगा 2 6 12 माइनस 4 3 12, ये इज इक्वल टू आपके पास 0 आ जाए। अब एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है इसमें ए एक्स डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, एक्स इज इक्वल टू, अब ए डिटर्मिनेंट ए एक्स डिटर्मिनेंट 20 है, ए डिटर्मिनेंट आपके पास 10 है, x का वैल्यू आ जाएगा 2, इसको बॉक्स कर दें, ये पहला आंसर x का हमारा टैली हो गया, इसका मतलब ये होगा कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है। y फाइंड करने के लिए a y डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ये 0/10 होगा और y इज इक्वल टू 0, ये दूसरा आंसर भी आपका आ गया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो का शेयरिंग भी कीजिए।
थैंक यू वेरी मच। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.6 का अपलोड इन प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर वन पार्ट टू। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व फॉलोइंग systems of linear equations by दो मेथड हैं। पहला है, पहला मैट्रिक्स है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड सेकेंड मेथड है द क्रैमर्स रूल। चलें जी, पहले जो मेथड है हमारा, पहले उससे मैं सॉल्व करूँगा इसको। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। सबसे जो पहला काम है वो अपने मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लिखना है। 2, 1, 6 और 5, ये मैंने जो कोएफिशिएंट थे अल्फाबेट के उनको लिख दिए। उसके बाद जो अल्फाबेट हैं यानी कि वेरिएबल हैं उनको लिखो, देन 3 और 1 जो है आपके कांस्टेंट हैं उनको लिखना होता है। उसके बाद आप मार्किंग करें, ये आपके पास आ जाएगा ए, ये आपके पास होगा एक्स, ये आपके पास होगा बी। अब ए डिटरमिनेंट आपने फाइंड करना है। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 × 5 माइनस 1 × 6। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 1 = 6। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4। इसके बाद आपने ए इनवर्स फाइंड करना होता है। इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला है एडजॉइंट ए। इसमें चूंकि हमारे पास कांस्टेंट भी हैं, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा अपॉन ए डिटरमिनेंट। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट में आपने जो सेकेंडरी डायगनल है उनका प्लेस चेंज होता है, और जो प्राइमरी डायगनल का, जो प्राइमरी डायगनल शुरू वाले जो सेकेंडरी डायगनल है उनका साइन चेंज होता है। ये आपके पास हो जाएगा 5 और 2 −1 और −6, सब मल्टीप्लिकेशन होगा 3 और 1 का, देन 1/4 के साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देन इनवर्स इज इक्वल टू 1/4। अब ये हो जाएंगे 5 × 3 = 15 और 1 × 1 − 1, 15 − 1 आंसर आ जाएगा 14। और इसी तरह से −6 × 3 और ये हो जाएंगे −18 और प्लस हो जाएंगे 2, 1 = 2, −18 + 2 आंसर आ जाएगा −16।
वन अपॉन फोर के साथ इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हो जाएगा सेवन अपॉन टू कटिंग के बाद, और ये नीचे y का वैल्यू माइनस फोर होगा। अब x का आंसर आपके पास आ जाएगा जी सेवन पॉइंट टू, ये x एक वैल्यू है, और सेकेंड y इज इक्वल टू माइनस फोर। ये दोनों आपके आंसर आ गए एक्स और वाई के, एक मेथड से इसका हमने सोल्यूशन कर लिया। अभी सेकेंड मेथड से इसका सोल्यूशन अभी बाकी है। टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, सिक्स एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू वन। सबसे पहले इसको आप लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, टू वन सिक्स एंड फाइव, और वेरिएबल हो गए एक्स एंड वाई, कॉन्स्टेंट हो गया थ्री एंड वन। अब ये बस ए मैट्रिक्स है, और ए डिटरमिनेंट हम पहले फाइंड कर चुके हैं जो कि फोर है, उसी को यूज करेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है। अब क्रैमर रूल में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जब हम ए एक्स हमने एक निकालना होता है, इसमें आपने करना ये है कि टू और सिक्स जो कि फर्स्ट कॉलम है ऑफ द ए मैट्रिक्स, ये रिप्लेस हो जाता है विद द कांस्टेंट जो कि थ्री वन है, इसको थ्री वन के साथ रिप्लेस कर दें और वन फाइव उसी तरह रह जाएगा। और इसके बाद ए वाई हमने निकालना है, ए वाई के लिए जो टू और सिक्स जो कि फर्स्ट कॉलम है ऑफ द ए मैट्रिक्स ये सेम ही रहता है, सेकेंड जो कॉलम है वन और फाइव वो चेंज हो जाता है विद द कांस्टेंट थ्री और वन के साथ। अब अपने ए एक्स डिटरमिनेंट निकालना है, ये अब आपके पास रहेगा थ्री फाइव जो फिफ्टीन माइनस वन वन जो वन, ये फोरटीन आ जाएगा इसका वैल्यू आपके पास ए एक्स डिटरमिनेंट का। इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट आप जब निकालते हैं तो टू वन ज़ा टू माइनस सिक्स थ्री थ्री सिक्स ज़ा एटीन, टू माइनस एटीन आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस सिक्सटीन। अभी हमने फाइंड करना है एक्स का वैल्यू, एक्स फाइंड करने के लिए फार्मूला है आपके पास ए एक्स डिटर्मिनेंट ओब्लिक अपॉन ए डिटर्मिनेंट, और y फाइंड करने का फार्मूला होता है बस ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। x इज इक्वल टू ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 14 है और a डिटर्मिनेंट 4 है, तो x इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ और ये आंसर वाला सेम आ गया। और इसी तरह y इज इक्वल टू ए y डिटर्मिनेंट माने 16 है और a डिटर्मिनेंट 4 है, y इज इक्वल टू माइनस फोर। ये देखें आपके आंसर सेम आ गए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो का शेयरिंग भी कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड हो तो माय सेल नंबर इज़ 03
3 2 1 5 8 3 8 2 6 4. थैंक यू वेरी मच। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स, इसकी टोटल 6 एक्सरसाइजेस हैं, 1 2 6। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 का अपलोड पहले ही हो चुका है। आज की वीडियो में 1.6 का अपलोड इन प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व फॉलोइंग लीनियर बल्कि फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ, इधर ही देख सकता हूँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय, दो मेथड हैं, दो मेथड से इसको अपने सॉल्व करना है। द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, सेकंड द क्रेमर रूल्स। फोर एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8। थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। फोर टू थ्री और माइनस 1, ये मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर दिया। उसके बाद एक्स और वाई इसमें जो कि वेरिएबल हैं इनको भी मैंने चेंज कर दिया। और नेक्स्ट अब बस 8 एंड माइनस 1, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मैंने लहदा से एक मैट्रिक्स दे दिया। अब इनका मैं नेमिंग करता हूँ, ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स कहलाएगा और ये बी मैट्रिक्स होगा। अब आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है, जो कि सबसे पहला काम है। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई माइनस 1। ये डिटरमिनेंट का मैं पहली एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, इसलिए इसका मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। देन ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू माइनस 4 और माइनस 2 थ्री 6, ए डिटरमिनेंट विल बी माइनस 10। ये आपका ए डिटरमिनेंट आ गया, और ए डिटरमिनेंट चूँकि 0 नहीं है
इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का फर्दर सॉल्यूशन सेट पॉसिबल होता है। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इन टू बी अपॉन ए डिटरमिनेंट, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है, ये माइनस वन और फोर, ये जो प्राइमरी डायगोनल होते हैं मैट्रिक्स के वो आपस में प्लेसेस को चेंज करते हैं, और जो सेकेंडरी डायगोनल हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। ये मैंने दोनों का साइन चेंज कर दिया, और साथ में आपका एट और माइनस वन जो कि बी मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, और वन अपॉइंट टेन जो कि हमारा ए डिटर्मिनेंट था उसको मैंने लिख दिया, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। नाउ इनवर्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट टेन, माइनस वन को जब मल्टीप्लाई करेंगे एट के साथ तो माइनस एट, माइनस टू को जब माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टू, माइनस एट प्लस टू का आंसर माइनस सिक्स आएगा, और माइनस थ्री इंटू एट माइनस ट्वेंटी फोर, और माइनस वन और मल्टीप्लाई फोर माइनस फोर, माइनस ट्वेंटी फोर और माइनस फोर का आंसर हमें मिलेगा माइनस ट्वेंटी एट। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टेन के साथ जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर पॉजिटिव में थ्री अपॉन फाइव, और यहाँ आ जाएगा आपके पास फोरटीन अपॉन फाइव। अब यहाँ भी एक स्टेप ऐड करते होते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, और एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई की इक्वल है, अभी आपके पास आ जाएगा एक्स वाई ये थ्री अपॉन फाइव और फोरटीन अपॉन फाइव, एक्स का वैल्यू आपको थ्री अपॉन फाइव मिल गया और y का 14 अपॉन फाइव। ये हमने एक मेथड से जो कि द इन्वर्जन मेथड था उससे इसका सलूशन कर लिया, और भी इसका बाय क्रैमर रूल जो है उसका सलूशन बाकी है। अब कैमर रूल से इसको सॉल्व करेंगे, फोर एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एट, देन थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें इसको फोर टू थ्री एंड माइनस वन, देन एक्स वाई और एट देन माइनस वन, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। ए डिटर्मिनेंट का आंसर आप निकाल चुके हैं जो कि माइनस टेन है। अभी हमने यहाँ फाइंड करना था ए एक्स, ए एक्स के लिए फोर थ्री को आप रिप्लेस करेंगे एट और माइनस वन के साथ, और टू और माइनस वन अपनी जगह पे ही रहता है। इसी तरह ए वाई एक फॉर्म बनाते हैं, एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं जिसमें फोर और थ्री जो है वो इसी तरह रहेगा, टू और माइनस वन जो है ये रिप्लेस हो जाएगा एट और माइनस वन के साथ। इसके बाद हमें निकालना है ए एक्स डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा एट इंटू माइनस वन और माइनस टू इंटू माइनस वन,
ए एक्स डिटरमिनेंट आपके पास आ जाएगा जी माइनस एट प्लस टू, ये आपको मिल जाएगा माइनस सिक्स। और इसी तरह जो ए वाई डिटरमिनेंट है वो आपको मिलेगा फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर, देन माइनस का साइन होता है एट थ्री ज़ार ट्वेंटी फोर, ये आपके पास मिल जाएंगे माइनस ट्वेंटी एट। ए एक्स डिटरमिनेंट और ए वाई डिटरमिनेंट दोनों आप फाइंड कर चुके हैं। अभी एक्स के लिए फार्मूला फाइंड करने के लिए फार्मूला आपके पास होता है ए एक्स डिटरमिनेंट अपॉन ए डिटरमिनेंट, और वाई फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है ए वाई डिटरमिनेंट अपॉन ए डिटरमिनेंट। एक्स इज इक्वल टू, अब जो ए एक्स डिटरमिनेंट है वो माइनस सिक्स है और ए डिटरमिनेंट माइनस टेन है, और वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटरमिनेंट माइनस ट्वेंटी एट है अपॉन ए डिटरमिनेंट माइनस टेन। एक्स इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव और वाई इज इक्वल टू फोर्टीन पॉइंट फाइव, कैंसिलेशन के बाद ये दोनों आंसर्स हमें मिल गए और दोनों आंसर्स हमारे टैली कर रहे हैं, इसलिए ये आंसर ठीक हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है, मेरे वीडियो का शेयरिंग करना है, और अगर आपको मेरी ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड हो तो माय सेल नंबर इज 0321 58 38 264। थैंक यू वेरी मच। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.5 तक पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.6 का अपलोड इन प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, यूज मैट्रिसेस if possible to solve the following systems of linear equations by दो मेथड उसने दिए हैं। पहला मेथड है द मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड, सेकंड मैट्रिक्स है सेकंड मेथड है द क्रेमर्स रूल।
थ्री एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स, फाइव एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस टेन। सबसे पहले इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ये नेगेटिव साइन जो है वो साथ लिखना होता है। ये एक्स वाई आपके पास वेरिएबल है, माइनस सिक्स और माइनस टेन कॉन्स्टेंट है। इसको मार्क कर दें, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। अब ए डिटरमिनेंट निकालें, आप ये ए डिटरमिनेंट हम क्यों निकालते हैं? सबसे पहले ए डिटरमिनेंट हमें हेल्प आउट करता है कि इस मैट्रिक्स का फर्दर सॉल्यूशन सेट पॉसिबल है या नहीं। इसमें पहली एक्सरसाइज में मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप ए डिटरमिनेंट निकालेंगे अगर ए डिटरमिनेंट आपका ज़ीरो हो, यानी कि मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स का फर्दर सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होता। अगर इसका आंसर अदर देन ज़ीरो हो तो इसका मतलब ये है कि आपका फर्दर सॉल्यूशन सेट पॉसिबल होगा। ये अदर देन ज़ीरो से मेरा मुराद ये है कि पॉजिटिव कोई नंबर हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये हमने किया थ्री इंटू माइनस टू और माइनस टू इंटू फाइव, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू माइनस सिक्स और ये प्लस हो जाएंगे, ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा फाइव टू द टेन, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू फोर। अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इन टू बी जो कि बी मैट्रिक्स है हमारे पास अदर मैट्रिक्स, देन ए डिटरमिनेंट। अब ये इनवर्स इज इक्वल टू एड जॉइंट में हम जो प्राइमरी डायगनल्स हैं इनका प्लेसेस को चेंज करते हैं, ये माइनस टू और थ्री हो जाएगा, और जो सेकेंडरी डायगनल्स हैं उनके साइन को चेंज करते हैं, ये टू और ये माइनस फाइव हो जाएगा, और साथ में माइनस सिक्स और माइनस टेन इनका होगा मल्टीप्लिकेशन, और ये वन अपॉइंट फोर के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देन ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉइंट फोर, ये माइनस सिक्स और माइनस टू और माइनस सिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो प्लस ट्वेल्व मिलेगा, और टू और माइनस टेन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस ट्वेंटी, प्लस ट्वेल्व है माइनस ट्वेंटी है, आंसर हमें मिलेगा माइनस एट। ये काम आप लिख के भी कर सकते हैं लेकिन चूंकि बहुत मुश्किल काम नहीं है इसलिए मैं इसको और लिख आता हूँ। अब माइनस फाइव ने मल्टीप्लाई होना है माइनस सिक्स के साथ तो आंसर आ जाएगा थर्टी, और थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टेन के साथ ये माइनस थर्टी हो जाएगा, प्लस थर्टी माइनस थर्टी विद कैंसल ईच अदर बीइंग अपोजिट साइन तो आंसर आपका ज़ीरो हो जाएगा। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन फोर के साथ जब इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये आ जाएगा माइनस टू और ये ज़ीरो हो जाएगा।
एक स्टेप यहाँ पे आपको मैं ऐड कर देता हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, कैपिटल एक्स जो हमने शुरू में मार्क किया था, और कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, एक्स वाई के। अभी एक्स वाई माइनस टू और जीरो, एक्स का आंसर माइनस टू आ गया और वाई का जीरो आ गया। एक मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है, और सेकंड मेथड जो कि क्रैमर रूल है वो अभी बाकी है, उसको भी सॉल्व करते हैं। ये आपके पास है जी थ्री एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स, फाइव एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस टेन। ये मैट्रिक्स की फॉर्म में जब लिखेंगे थ्री माइनस टू फाइव और माइनस टू एक्स वाई माइनस सिक्स और माइनस टेन, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। ए डिटर्मिनेंट हम पहले ही निकाल चुके हैं जो कि फोर है। अब यहाँ भी हमने ए एक्स लाना होता है, ए एक्स के लिए थ्री और फाइव आपके पास कन्वर्ट रिप्लेस हो जाएंगे कांस्टेंट के साथ जो कि माइनस सिक्स और माइनस टेन है, और ये माइनस टू और माइनस टू होगा। सिमिलरली ए वाई के लिए थ्री और फाइव में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो सेकंड मैट्रिक्स माइनस टू और माइनस टू सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड फर्स्ट ए मैट्रिक्स का सेकंड जो कॉलम है वो चेंज हो जाएगा माइनस सिक्स और माइनस टेन के साथ। अभी हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, ये हो जाएंगे आपके पास माइनस सिक्स और माइनस टू, ये हो जाएंगे ट्वेल्व, और नेगेटिव साइन है फार्मूले वाला होता है, और नेगेटिव टू और नेगेटिव टेन ये हो जाएंगे प्लस ट्वेंटी, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस एट। और देन ए वाई डिटर्मिनेंट ये आपके पास हो जाएगा जी माइनस थर्टी और माइनस थर्टी आ जाएगा ये, और नेगेटिव साइन होगा फार्मूले में, और माइनस सिक्स इंटू माइनस फाइव माइनस थर्टी होंगे, प्लस थर्टी हो जाएंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर जीरो हो जाएंगे। एक्स फाइंड करना है, अभी हमने एक्स के लिए हमारे पास फार्मूला है ए एक्स डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए फार्मूला हमारे पास है जी ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। एक्स इज इक्वल टू, अब जो ए एक्स है ए एक्स डिटर्मिनेंट वो माइनस एट है और एट डिटर्मिनेंट फोर है। वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट जीरो है और एट डिटर्मिनेंट फोर है। एक्स का आंसर हमें मिलेगा माइनस टू, इसको बॉक्स कर दें ताकि आंसर लोकेट करने में प्रॉब्लम ना आए। वाई इज इक्वल टू जीरो, अभी आप आंसर अपने टैली कर लें कि हमारे पहले एक्स वैल्यू माइनस टू था, अभी भी माइनस टू आया है, और वाई का जीरो था और इसमें भी जीरो है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो का शेयरिंग करें, और मेरे चैनल पे भी कमेंट करें और मेरे वीडियो पे भी आप कमेंट करें। अगर आपको ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड हो तो आप मेरे सेल नंबर जो कि 0321 5838
264 पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पहले वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें, अगर एक दफ़ा आपको समझ ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखें और बार बार इस वीडियो को आप देखें। इसके बाद कोशिश करें कि अपने हाथ से सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, और इसके बाद भी आपको समझ नहीं आती तो आप मेरे मोबाइल पे भी रब्ता कर सकते हैं और मेरे कमेंट करके भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यू आर वॉचिंग यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग माई एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज नंबर 1.6 का अपलोड इन प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 1, यूज मैट्रिसेस साथ में उसने कंडीशन लगाई है इफ पॉसिबल। टू सॉल्व the following system of linear equations by method number 1 matrix D matrix inversion method सेकेंड है द क्रेमर्स रूल। दो डिफरेंट मेथड से इसका आपने सॉल्यूशन करना है और क्वेश्चन 1 में ये पार्ट 5th है। थ्री एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4। माइनस सिक्स एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 7। सबसे पहले इसे आप मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3 माइनस 2 माइनस 6 और 4। इसको फर्स्ट मैट्रिक्स हमने बनाया, एक्स वाई के लिए एक्स और वाई, सेकंड
मैट्रिक्स में लिख दिया इज इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास 4 और 7 है, उसको थर्ड मैट्रिक्स में ई फॉर्म में हमने लिख दिया। ये हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब सबसे पहला काम जो है हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है टू चेक वेदर द फर्दर सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज पॉसिबल और नॉट। उसके लिए आप मार्किंग कर दें, ये आपके पास मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स एक्स और ये मैट्रिक्स बी। ए डिटरमिनेंट जब हम फाइंड करेंगे, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 -2 -6 and 4। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 -4 -2 -6। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 4 12 -2 और -6 जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे और -12 ये बन जाएगा। ये -12 और +12 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे बीइंग अपोजिट साइन और ए डिटरमिनेंट आपके पास आएगा 0, जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स में फर्दर सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होता। एंड पे आप लिख दें सॉल्यूशन सेट ऑफ सेड मैट्रिक्स इज not possible as the matrix is singular। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल पे कमेंट करें और मेरे वीडियोस पे भी कमेंट करें और मेरे वीडियो का शेयरिंग करें। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.5 तक अपलोड हो चुका है। एक्सरसाइज 1.6 का अपलोड इन प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 1, यूज मैट्रिसेस। इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग systems of linear equations
बाय दो डिफरेंट मेथड से इसका सॉल्यूशन आप फाइंड करेंगे. वन इज द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, सेकेंड द क्रैमर्स रूल. इसके क्वेश्चन का सोल्यूशन आपने दो मेथड से निकालना है और ये पार्ट सिक्स है. क्वेश्चन वन है और पार्ट सिक्स. फोर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन माइनस थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव. मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें. सबसे पहले फोर, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा माइनस थ्री और ये हो जाएगा माइनस वन. और ये आपके पास आ जाएगा एक्स और वाई, देन नाइन माइनस फाइव. ये आपके पास आ गया ए मैट्रिक्स, ये आपके पास आ गया एक्स, ये आपके पास आ जाएगा बी मैट्रिक्स. सबसे पहले निकालेंगे आप इसका ए डिटरमिनेंट. ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू फोर इंटू माइनस वन, नेगेटिव साइन, वन इंटू माइनस थ्री. ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू माइनस फोर और ये माइनस थ्री और माइनस साइन प्लस थ्री हो जाएंगे. ए डिटरमिनेंट आपके पास आ जाएगा माइनस वन. अब आपने इनवर्स फाइंड करना है. इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला आता है एडजॉइंट ए इनटू बी अपॉन ए डिटरमिनेंट. ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट में फोर की जगह आ जाएगा माइनस वन और माइनस वन की जगह हो जाएगा फोर. ये आपस में इनकी प्लेसेस को चेंज कर देते हैं. वन हो जाएगा माइनस वन और माइनस थ्री हो जाएगा प्लस थ्री. इनके हम साइन को चेंज करते हैं. और बी मैट्रिक्स जो है वो नाइन और माइनस फाइव है. और ए डिटरमिनेंट आपके पास माइनस वन है. माइनस वन का मतलब ये है कि आपके जो फाइनल आंसर होगा उसके हर एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा. ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन. माइनस वन को जब हम नाइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास माइनस नाइन आएगा. और माइनस वन को फाइव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास प्लस फाइव आ जाएगा. यानी कि ये आएंगे आपके पास माइनस नाइन प्लस फाइव. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस फोर. इसी तरह से थ्री और नाइन का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो नाइन थ्री 27 होते हैं. और फोर और माइनस फाइव का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस ट्वेंटी सेवन सॉरी ट्वेंटी. तो ट्वेंटी सेवन से आप ट्वेंटी माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा सेवन. नेगेटिव जब साइन अप्लाई होगा ए इनवर्स इज इक्वल टू फोर
फोर हो जाएगा पॉजिटिव और सेवन हो जाएगा नेगेटिव। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स होता है, एक्स इज इक्वल टू आपके पास है एक्स वाई के। अब एक्स वाई जो है वो आपके पास इक्वल हो जाएगा जी फोर और माइनस सेवन। एक्स का आंसर आपको मिल गया फोर और वाई का माइनस सेवन। इसके बाद हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाई क्रैमर रूल। फोर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन माइनस थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव। मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लिखेंगे आप फोर वन माइनस थ्री और माइनस वन। एक्स और वाई देन नाइन और माइनस फाइव। ये आपके पास ए है, ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास बी है। ए डिटरमिनेंट हम पहले फाइंड कर चुके हैं विच इज माइनस वन। अब हमने करना है यहाँ पे ए एक्स। ए एक्स के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि फोर और माइनस थ्री चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा विद द कॉन्स्टेंट जो कि नाइन और माइनस फाइव है और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इसी तरह ए वाई फाइंड करने है हमने। ए वाई फाइंड करने के लिए जो पहला आपका कॉलम है ये चेंज नहीं होता, दूसरा कॉलम चेंज हो जाएगा नाइन और माइनस फाइव जो कि कॉन्स्टेंट है। अब हमने फाइंड करना है ए एक्स डिटर्मिनेंट। ये आपके पास आ जाएगा नाइन इंटू माइनस वन माइनस वन इंटू माइनस फाइव। ए एक्स डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा जी माइनस नाइन और प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस फोर। इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट अब निकालेंगे। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा जी फोर इंटू माइनस फाइव माइनस नाइन इंटू माइनस थ्री। अब ए वाई डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा माइनस ट्वेंटी और प्लस ट्वेंटी सेवन। ए वाई डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा जी सेवन। अभी आपने एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। और वाई फाइंड करना है। वाई फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास है माइनस फोर और a डिटर्मिनेंट माइनस वन है। देन y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट सेवन है और a डिटर्मिनेंट माइनस वन है। x का आंसर आ जाएगा फोर जो कि हम पहले निकाल चुके हैं पहले पार्ट में, इसका आंसर टैली कर गए हैं तो इसका मतलब आंसर हमारा ठीक है। और y इज इक्वल टू माइनस सेवन होंगे, ये भी आंसर हमारा टैली करके है तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर हमारा ठीक आ गया है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियोस को लाइक करना है।
मेरे चैनल पे कमेंट करें, मेरे वीडियो पे कमेंट करें, और अगर आपको ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड हो तो माय सेल नंबर इज़ 0321 58 38 264. थैंक यू वेरी मच। आप YouTube का वो चैनल देख रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारा एजुकेशनल मटेरियल मिलता है। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 का अपलोड पहले हो चुका है। अगर आपको एक्सरसाइज ढूंढने में मसला आता है तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि जब आप मेरा चैनल खोलेंगे उसमें पहला ऑप्शन होता है होम, देन वीडियो, देन प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में मैंने सारी टॉपिक वाइज ये वीडियोस को इकट्ठा किया हुआ है। वहाँ आप देखेंगे नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स, इसमें यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के नाम से होगा, उसको क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो आपको एक जगह पे ही मिल जाएंगी, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 का अपलोड इन प्रोसेस है, क्वेश्चन नंबर 1, और पार्ट है इसका 7th। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल, टू सॉल्व द फॉलोइंग systems of linear equations by first method है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, सेकंड द क्रेमर रूल, इस क्वेश्चन को आपने दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना है। और इसमें आपको आसानी ये होती है कि आपको कंफर्म हो जाता है कि मेरा आंसर रॉन्ग है या राइट है। ये आपके पास अजी 2x - 2y = 4। -5x - 2y = -10। सबसे पहले इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है। यह आ जाएगा 2, यहाँ -2 मिलेगा, इधर से -5 और ये -2।
देन जो वेरिएबल हैं एक्स और वाई उसको कॉलम फॉर्म के अंदर आप लिख लेंगे, और 4 और -10 ये आपके पास कांस्टेंट है, इसको आप लैडर मैट्रिक्स की फॉर्म में दे देंगे। अब आपके पास ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। ए डिटर्मिनेंट आप पहले फाइंड करेंगे, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई -2 देन नेगेटिव साइन होता है, फार्मूला है ये -2 इंटू -5। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4 माइनस ये आ जाएंगे +10 और ए डिटर्मिनेंट विल बी -14। -14 आपके पास ए डिटर्मिनेंट आ चुका। अभी हमने ए इनवर्स फाइंड करना होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इन टू बी जो कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट में हम जो प्राइमरी डायगनल्स हैं उनके साइंस को चेंज करते हैं, ये -2 और 2 हो जाएगा, और जो सेकेंडरी डायगनल हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा और बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन होगी और 1/14 नेगेटिव साइन के साथ। ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/14। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, इट विल बी -8, और 2 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी -20। -8 और -20 आंसर मिलेगा -28। अब 5 का 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन होना है, आंसर आ जाएगा +20, और 2 का -10 के साथ मल्टीप्लिकेशन होना है, ये -20 हो जाएगा। +20 -20 विल कट ईच अदर हैविंग अपोजिट साइन, आंसर मिलेगा 0। ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/14 का जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 2 और ये 0। यहाँ एक स्टेप आप ऐड करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल है, और एक्स किसके इक्वल है, एक्स वाई के, ये शुरू में आपको बता चुका हूँ। अब एक्स वाई इज इक्वल टू 2 0, यानी कि एक्स का आंसर यहाँ पे 2 है और वाई का 0। एक मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया, अभी क्रैमर रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। टू एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2 ये मैट्रिक्स की फॉर्म में सबसे पहले इसको आपने कन्वर्ट करना होता है। ए डिटर्मिनेंट हम पहले फाइंड कर चुके हैं जो कि -14 है, इसमें भी आपने लाना होता है ए एक्स, पहली बात
एक्स के लिए ये टू और जो आपके पास फाइव माइनस फाइव है फर्स्ट जो कॉलम है ए मैट्रिक्स का, ये रिप्लेस हो जाते हैं कांस्टेंट के साथ। ये हो जाएंगे फोर और माइनस टेन और माइनस टू और माइनस टू। और इसी तरह जो ए वाई है ये टू और माइनस फाइव और माइनस टू रिप्लेस हो जाएंगे फोर और माइनस टेन के साथ। अब हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, ये आपके पास हो जाएंगे फोर माइनस टू माइनस एट और माइनस टेन और माइनस टू प्लस ट्वेंटी, और फार्मूले में जो कि यहाँ नेगेटिव साइन होता है माइनस ट्वेंटी हो जाए और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस ट्वेंटी एट। अब हमने ए वाई डिटर्मिनेंट निकालना होता है, ये आपके पास आ जाएगा माइनस ट्वेंटी और यहाँ पे नेगेटिव है, ये फोर इंटू माइनस फाइव माइनस ट्वेंटी तो ये प्लस ट्वेंटी हो जाएंगे। इसका आंसर आपको ज़ीरो मिल जाएगा। अभी एक्स के लिए आपके पास फार्मूला होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए फार्मूला आपके पास है जी ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ये वैल्यू सारी की सारी हम पहले फाइंड कर चुके हैं। एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएंगे माइनस ट्वेंटी एट है आपके पास और ये माइनस फोर्टीन है। इसी तरह वाई इज इक्वल टू ये ज़ीरो है और माइनस फोर्टीन होंगे। एक्स का आंसर आपके पास आ जाएगा टू, इसको बॉक्स कर देता हूँ, और वाई का आंसर होगा ज़ीरो, इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ। आंसर हमारे दोनों जो हैं वो टैली हो गए हैं। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल पे कमेंट करने हैं और मेरे वीडियो पे आपने कमेंट करने हैं। थैंक यू वेरी मच। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.6 का अपलोड इन प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर वन और इसका एट्थ पार्ट है। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल to solve the following systems of linear equations by first method है the matrix inversion method, second the Cramer's rule,
थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एट। सबसे पहले इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा थ्री माइनस फोर और ये वन, एक्स का कोएफिशिएंट वन कोई भी नहीं है तो जहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं होता वहाँ पे वन होता है, ये टू, एक्स और वाई वेरिएबल लिख दिए गए, देन फोर और एट कांस्टेंट हैं, उनका मैंने अलहदा से मैट्रिक्स दे दिया। आपके पास ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स होगा। हमने सबसे पहले ए डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू थ्री मल्टी बाय टू माइनस माइनस फोर इंटू वन, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू थ्री टू द सिक्स माइनस और प्लस हो जाएंगे, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, ए डिटरमिनेंट आपके पास आ जाएगा टेन। अभी ए इनवर्स हमने फाइंड करना होता है, ए इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए इनटू बी मैट्रिक्स अपॉन ए डिटरमिनेंट। ए इनवर्स इज इक्वल टू यूजेंगे टू और थ्री, जो प्राइमरी डायगोनल्स होते हैं वो अपना बेस चेंज कर लेते हैं विद ईच अदर, और जो सेकेंडरी डायगोनल हैं उनके साइन को चेंज कर देते हैं। और वन अपॉन टेन के साथ इसका होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो कि ए डिटर्मिनेंट है। ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन टेन, टू फोर हो जाएंगे एट, इसको मैं लिख देता हूँ, और प्लस फोर एट ज़ा होंगे 32, देन माइनस वन और फोर माइनस फोर और थ्री एट्स आर 24 प्लस 24, ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा वन अपॉन टेन, ये हो जाएंगे 40 और ये हो जाएंगे 20, और ये आपके पास मज़ीद इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूँगा ए इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा फोर और ये टू। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स होता है और एक्स जो है वो एक्स वाई की इक्वल है, ये मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, ये एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएंगे फोर और टू, एक्स का आंसर मुझे मिल गया फोर और वाई का आंसर टू। ये एक मेथड से हमने इसका सलूशन कर लिया, दूसरा मेथड अभी बाकी है जो कि द बाय विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल हमें इसका सलूशन निकालना है। थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू फोर, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एट, थ्री माइनस फोर वन और टू, एक्स एंड वाई इज इक्वल टू फोर और एट कांस्टेंट में लिख दिए गए।
ये ए मैट्रिक्स है आपके पास, ए डिटरमिनेंट हम पहले फाइंड कर चुके हैं जो कि 10 है। अभी इसमें ये हमने ग्रामर रूल में हमने ए एक्स और ए वाई लिखना होता है, ये 4 और 8 आपका ए मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है वो रिप्लेस हो जाता है विद अ कांस्टेंट, और -4 और 2 वैसे ही लिखेंगे। इसी तरह ए वाई फाइंड करने के लिए 3 1 जो कि फर्स्ट कॉलम है इसको कुछ नहीं करेंगे, जो सेकंड कॉलम है वो चेंज हो जाएगा विद द कांस्टेंट जो कि 4 और 8 है। इसके बाद हमने ए एक्स डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है, ये आपके पास आ जाएगा 4 2 8 और माइनस का साइन होता है। इसके बाद 8 4 32 -32 तो ये आपके पास आंसर आ जाएंगे 40, क्योंकि ये नेगेटिव और नेगेटिव आपस में प्लस हो जाएंगे। इसी तरह ए वाई डिटरमिनेंट आप निकालेंगे जो कि होगा 3 8 24 माइनस जो कि फार्मूले में होता है 4 1 4 और ये आ जाएंगे आपके पास 20। अभी हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ए एक्स डिटरमिनेंट अपॉन ए डिटरमिनेंट, और वाई फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए वाई डिटरमिनेंट अपॉन ए डिटरमिनेंट। एक्स के लिए ए एक्स डिटरमिनेंट हमारे पास 40 है और ए डिटरमिनेंट 10 है, और एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4। इसको बॉक्स कर देता हूँ, ये हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह वाई के लिए ए वाई डिटरमिनेंट 20 है और ए डिटरमिनेंट 10 है, वाई इज इक्वल टू मिल जाएगा 2। इसको भी बॉक्स किया, भी आप देखेंगे जो आंसर है हमारे यहाँ पे एक्स का आंसर 4 है और इधर भी आपका एक्स का आंसर 4 ही आया है, और यहाँ भी वाई का वैल्यू 2 है, और यहाँ चेक कर लें ये भी वाई का वैल्यू 2 है। ये एक इंडिकेशन होता है कि हमारे आंसर्स ठीक हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोस को लाइक करना है, मेरे चैनल पे कमेंट करें, मेरे वीडियो पे भी कमेंट करें और मेरे वीडियो का शेयरिंग करें। थैंक यू वेरी मच।